महाराष्ट्र में दही हंडी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण सरकार द्वारा कई बार इस पर बैठक की गई, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन हाल ही में हुई ऑनलाइन बैठक में गोविंदा की मनोनीत टीमों को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके बाद थाने के मनसे नेता अविनाश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को गोविंदा टीमों को भी मीटिंग में बुलाना चाहिए था और इस विषय पर सरकार को एक बार फिर सोच कर निर्णय लेना चाहिए। तो वहीं अविनाश यादव ने यह इशारा भी किया कि थाने में होने वाले दही हंडी उत्सव के लिए राज ठाकरे से बात करने के बाद निर्णय की घोषणा करेंगे, लेकिन उनका मानना है कि दही हंडी थाने में मनाया जाएगा। देखना यह है कि इस उत्सव के लिए सरकार क्या निर्णय लेती है और मनसे की क्या अहम भूमिका इस निर्णय में होती है। तुमच्या मेट्रोच्या उद्घाटनाला तुम्ही एवढे जण जमलात, तिथे कोविडचे नियम का नाही पाळतो? तुम्हाला जिथे तुम्हाला पाहिजे तुमच्या सोयीनुसार कोविडचा वापर करताय अशी शंका आमच्या मनात येते। परवानगी दिली नाही ठाण्यामध्ये विश्वविक्रम करण्यासाठी तरी उत्सव साजरा होईल। मला असं वाटतं की तरुण मुलांचा विचार करता आम्हाला काही निर्णय घ्यावे लागतील, कारण किती दिवस, मागचे 2 वर्ष ही मुलं घराच्या बाहेर पडलेली नाही, अजून किती दिवस त्यांना तुम्ही घरात ठेवणार? शासनाच्या विरोधात तुम्ही जाणार? 100% जाणार। शासन लोकांनी घडवलेलं आहे, शासन आहे, लोकांनी निवडून आणलेलं आहे शासन आहे। हे काय तालिबानी आहेत का? नाही ना। सो लोकांनी निवडून आणलेल्या शासनाच्या विरोधात जायचा अधिकार लोकांना आहे, सो आम्ही त्याच्या विरोधात जाऊन दही हंडी काढणार। पोलीस कारवाई झाली तर काय असेल? मला असं वाटतं की आम्ही पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती केलेली आहे की तुम्ही घेतलेला निर्णय हा पुन्हा एकदा या निर्णयावर विचार व्हावा, शिवसाई गोविंद पथक तसेच जय जवान गोविंद पथकाच्या तरुणांना बोलवावं आणि त्यांची एकदा बाजू ऐकावी आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जो निर्णय घ्याल तो आम्हाला मान्य असेल। दिल्ली से लेकर गल्ली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूले जेजेबी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही हम नई खबर के साथ। और आप बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जेजेबी न्यूज के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जेजेबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और जेजेबी न्यूज के फेसबुक को फॉलो करें ताकि आपको मिल सके सारी खबरों का अपडेट।